नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। 20 सूत्री कार्यक्रम एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग को राहत देने के लिए सतत प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क उपचार, दवा एवं जांच योजना, बिजली अनुदान और किसानों के लिए बेहतरीन योजनाएं लागू की है। अधिकारी निचले स्तर तक इनका प्रचार प्रसार और प्रत्येक जरूरतमंद को योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें। कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने उन्हें भिलवाड़ा जिले की प्रगति से अवगत करवाया। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि समाज के पिछड़े और गरीब तबकों को आगे लाने, उनकी उन्नति और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसकी प्रगति से ही समाज की तरक्की संभव है। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं ने राज्य में विकास का नया आयाम स्थापित किया। अस्पतालों में निःशुल्क उपचार, जांच, दवा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली, किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना सहित विभिन्न योजनाओं ने राज्य में बड़ी संख्या में आमजन को लाभान्वित किया है। इन्हें और अधिक प्रचारित कर प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर चंद्रभान ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिले में ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिलना चाहिए। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन आंकड़ों में आने वाले अंतर पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निःशुल्क उपचार, दवा एवं जाँच योजना पर चर्चा के दौरान कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह योजना पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मिसाल है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना में लाभान्वित किया जाए। उन्होंने संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और वैक्सीनेशन की प्रगति की भी जानकारी ली। बैठक के दौरान DSO सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में खाद्य सुरक्षा योजना, अंत्योदय योजना में लक्ष्य के विरुद्ध 100% लक्ष्य प्राप्ति की गई है। बीसू का उपाध्यक्ष ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निर्देशक को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर मोदी ने इसके लिए प्रत्येक कॉलेज में शिविर का आयोजन कर स्कॉलरशिप योजना के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर के शिविर के दौरान ही पात्र विद्यार्थियों को इस योजना में जोड़ने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त से शहर में सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने और ज्यादा गंदगी वाले चिन्हित स्थानों पर सफाई करवाने की भी बात कही। डॉक्टर चंद्रभान ने उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग को एनीमिक बालिकाओं और महिलाओं का सर्वे करने तथा कुपोषित बच्चों का सर्वे कर पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर उत्तम सिंह शेखावत, नगर विकास न्यास सचिव अजय कुमार आर्य, नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुश्ताक खान, उपवन संरक्षक DB जागावत, जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। और जो टारगेट्स राज्य सरकार को निर्धारित किए गए हैं, करीब करीब एक दो की मैं बात नहीं करता, एक दो स्कीम है कि सब में उनको पूरी तरह से उन्हें प्राप्त किया गया। शिक्षा और रोजगार के लिए भी आपने सर, बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू आ रहा है, इसमें रोजगार उन्मुक्ति के लिए क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये जो बेरोजगारी की समस्या है वो देश की सबसे बड़ी समस्या, और युवाओं की दृष्टि से भी, और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो गरीबी है ये भी उससे जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है तो उसकी गरीबी दूर हो जाती है, और ये मुद्दा अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। अब हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है। राज्य की सरकारें अर्थव्यवस्था को गति देने में सहयोग कर सकती है, लेकिन देश के अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित करने का काम केंद्र की सरकार है। मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि पिछले 8 वर्षों में, मैं केवल ये नहीं कहना चाहता कि कोई रेलवे में नौकरी नहीं निकली या मिलिट्री में भर्ती नहीं हो रही है, बैंकों में भर्ती नहीं हो रही है, केंद्र सरकार भर्ती नहीं कर रही है,
और राजस्थान बहुत राजस्थान से भर्तियां ज्यादा कर भी रही है, लेकिन वो केवल इसका बेरोजगारी का मुद्दा जो है सरकारी नौकरी से नहीं जुड़ा हुआ है, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हमें विशेष रूप से एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्रीज पर और जो दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनके डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा। और हमारे देश के जो आर्थिक नीति इस तरह से होनी चाहिए कि जिससे कहें रोजगारोन्मुखी होनी चाहिए। हमें किसी भी विभाग में कोई भी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार लेवे तो उसमें ये इस बात का ध्यान रखा जाए कि इससे रोजगार कितने पैदा होंगे। अब ये केंद्र की जो सरकार है, ये तो जो पहले पुराने समय में कांग्रेस के समय में जो PSUs खड़े किए थे जिनके जिले के फूलिया कला थाने के धनोब गांव के एक बालिका काली प्रजापत की कुएं में मिली लाश के मामले को लेकर परिजनों ने और समाज के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मामला हत्या में दर्ज करवाने और जांच उच्च अधिकारियों से करवाने की पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू से मांग की है। पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में बताया गया कि 1 जून को फूलिया कला थाने में धनोब के बालू प्रजापत ने अपनी बेटी काली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। काली की लाश कुएं में पाई गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की, लेकिन 6 दिन बाद भी किसी भी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पाई। पीड़ित परिवार के लोग बार बार थाने जाते रहे, लेकिन कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। परिजनों और समाज के लोगों का कहना है कि काली की मौत हत्या है, क्योंकि मृतका काली देवी प्रजापत के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं और काली तैरना जानती थी। काली के पास उसके पिता के नाम से जारी सिम का मोबाइल रहता था। 1 जून की रात 11:30 से 12 बजे के बीच कुल 11 बार बाबूलाल पुत्र रामाकीर से बात हुई। परिवादी के द्वारा जांच पड़ताल से पता चला कि काली की सहेली बाबूलाल कीर और गणेश माली साथ साथ देखे गए थे। सहेली दोपहर में काली को साथ लेकर गई थी। परिजनों और समाजजनों ने मामला काली को आत्महत्या के लिए उकसाने या हत्या का हो सकता है इसकी आशंका जताई है। ऐसे में पुलिस इस मामले की जांच उच्च अधिकारियों से करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रही है। धनोब गांव में 1/6/2022 को शाम को एक प्रजापत समाज की एक महिला 23 साल की उम्र की महिला का हत्या करके कुएं में डाल दी गई, जिसके लिए पुलिस ने मामले में पूरे लीपापोती करते हुए एक मृग में दर्ज प्रकरण दर्ज करके नए तो मुलजिमानों को गिरफ्तार किया है और परिवारजन को ही गुमराह करके 6 दिन हो गए गुमराह किया जा रहा है, जिसके लिए आज समस्त ग्राम धनोब के ग्रामवासियों एवं प्रजापत समाज के समस्त लोगों ने मिलकर के SP साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमारे SP साहब ने मुकदमा दर्ज करने के अभी आदेश किए हैं और शीघ्र ही हम चाहते हैं कि ये जो भी मुलजिमान जो नामजद हमने 3 मुलजिमानों के नाम दिए गए हैं उनको अति शीघ्र गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए, क्योंकि मामला पूरा हत्या का है। आपका नाम? श्रवण कुमार प्रजापति, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय कुमार महासभा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिलवाड़ा के तत्वावधान में आज मोबाइल वैन के माध्यम से सचल विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर लोगों को विभिन्न कानूनों की जानकारी देकर आमजन को जागरूक किया जाएगा। जिला एवं सेशन न्यायाधीश चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारीगण विक्रम सिंह राठौड़, बार अध्यक्ष चंद्रशेखर चतुर्वेदी, सचिव बार कुणाल ओझा, राजकीय अभिभाषक एवं अन्य अधिवक्तागण भी उपस्थित थे। सचिव राजपाल सिंह ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार जिले में 24 मई से 20 जून तक जिले में मोबाइल वैन द्वारा भिलवाड़ा न्याय क्षेत्र के विभिन्न गांवों में सचल विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से आम जन को जागरूक किया जा रहा है एवं प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इस क्रम में शहर के विभिन्न चौराहे, पुर, बलियाखेड़ा, कचौरिया, मुजरास और अन्य स्थानों पर मोबाइल वैन टीम में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रहलाद राय व्यास, जनार्दन उपाध्याय, अनीश कुमार महाला द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर आम जन को विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई एवं प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी वाले पैम्पलेट्स भी वितरित किए गए, साथ ही लोक अदालत के फायदे भी बताए गए। किया गया है जो गाँव में ग्रामीण में तालुका स्तर पर ये मोबाइल वैन जाएगी और हमारा जो मुख्य उद्देश्य मोबाइल वैन के माध्यम से विधिक साक्षरता जागरूक उत्पन्न करना है, जिसमें बाल विवाह है, जो मंद बुद्धि से संबंधित व्यक्ति हैं या जो नाता प्रथा से संबंधित जो कुरीतियाँ हमारे सामने आ रही है जो भिलवाड़ा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है,
इसके अलावा भी जो नालसा और रालसा की योजना है, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजना है, पीड़ित वर्गों के लिए जो योजना है, पीड़ित वर्तिकर स्कीम से संबंधित योजनाएँ, जो विधिक सहायता से संबंधित योजनाएँ, जो जन कल्याण के लिए जो योजनाएँ बनी हुई है, उन योजनाओं को समाज में, व्यक्तियों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मोबाइल वैन है, ये सफल रूप से कार्य करेगी। कहाँ कहाँ तक जाएगी, कहाँ कहाँ घूमेगी ये पूरा भीलवाड़ा मुख्यालय पे जो जगह चिन्हित किए गए हैं, उन जगह पर जगह जगह जाएगी और विधिक जागरूकता उत्पन्न करेगी जनता में। कितने समय तक चलेगी ये 2 दिन भीलवाड़ा रहेगी और भीलवाड़ा मुख्यालय पे भी ये जगह जगह स्थानों पर जाएगी। सत्र न्यायाधीश महोदय के तत्वावधान में मोबाइल वैन का शुभारंभ आज किया गया है। उक्त मोबाइल वैन का समय समय पर कार्रवाई की जाती है और इसे चलाया जाता है। इसका उद्देश्य जनता में साक्षरता अभियान, जिस तरह से सरकार ने चलाया था उस तरह से विधिक साक्षरता अभियान चलाना है। विधिक साक्षर होने का मतलब है कि समाज में जितने भी अपराध हैं उनसे लोग बचें और ये जागरूक होवें और अपने कानूनी मूल्यों को पहचानें और कानून में जो जो उन्हें निःशुल्क सहायता और सेवाएं दी जा रही है उन्हें, उनकी उपयोगिता के बारे में उन्हें पता चले। इसके लिए रालसा और नालसा की योजनाओं को सबको लागू किया जाता है। ये पूरे जिले भर में घूमेगी, 2 दिन भीलवाड़ा मुख्यालय पे और बाकी बाहर 8 दिन तक ही चलेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने भीलवाड़ा सर्किल में कार्य में लापरवाही बरतने पर सहायक अभियंता धर्मेंद्र सिंह बैरवा तथा उपभोक्ता लिपिक शाहपुरा शांतिलाल माली को चार्जशीट थमाई। अजमेर विद्युत वितरण लगातार कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने भीलवाड़ा सर्किल में आयोजित बैठक में अधिकारियों से कहा कि हमने पिछले कुछ समय में लगातार मेहनत कर अजमेर डिस्कॉम की छीजत कम की है। इस वर्ष हमने छीजत को 10% से कम रखने का लक्ष्य लिया। हमें और अधिक मेहनत कर नई योजनाएं बनाकर छीजत को कम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से अवैध ट्रांसफार्मरों को जब्त करने, मीटर बॉक्स इंस्टॉलेशन तथा फीडर सेपरेशन की प्रगति की जानकारी दी। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को बिजली चोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। निर्वाण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एमनेस्टी स्कीम और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का भी अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे उपभोक्ता और आमजन अधिक से अधिक इस योजना का लाभ ले सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घरेलू, अघरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत संबंधित योजनाओं का पूरा लाभ मिले। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए सभी प्रतिबद्ध रहें। मीटर, लाइन, ट्रांसफार्मर और अन्य तरह के उपभोक्ताओं की शिकायतें सही समय पर उनका निस्तारण किया जाए। उन्होंने बिलिंग स्टेटस, AT&C लोसेज, PHED कनेक्शन, सरकारी विभागों पर बकाया, हाई रिस्क पॉइंट, मीटर टेस्टिंग, मिनी लैब के इंस्टॉलेशन का स्टेटस, बंद और खराब मीटर, पोल पर लगे केबल की किराया वसूली, सतर्कता जांच समीक्षा, कंज्यूमर टैगिंग, एनर्जी ऑडिट, फोटो रीडिंग, विद्युत उपभोक्ताओं के शिकायतों के निस्तारण की स्थिति सहित कई विषयों पर विस्तृत जानकारी ली। बैठक के दौरान TA 2MD राजीव वर्मा सहित स्थानीय अधिकारी मौजूद थे। वक्त उचला छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के महा के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनित कुमार MT उदयपुर। इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, आरसी व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह काछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गोशाला, सिंद्री के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय, MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919,
7568952871. 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की, अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, फिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। बिजोलिया में हो रहे 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के 4 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन सुबह 6 बजे से सामूहिक जप, ध्यान, प्रज्ञा, योग, व्यायाम आदि कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। 8 बजे से देव पूजन और गायत्री महायज्ञ की शुरुआत हुई। राजस्थानी परंपरा के अनुसार शांति कुंज हरिद्वार से पधारे संदीप पांडे, मोहनलाल गौतम, अशोक पटेल, गुणसागर, हुकुम सिंह, चमन सिंह का तिलक लगाकर के सम्मान किया गया। यज्ञ का शुभारंभ हरिद्वार से आई टोली द्वारा गणेश वंदना और मातृ वंदना से प्रारंभ हुआ। अश्वमेघ कर्मकांड के माध्यम से 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान हुआ। षोडश मातृका का पूजन और नवग्रह देवी देवताओं का पूजन भी हुआ। सैकड़ों लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से 24,000 गायत्री मंत्र की आहुतियां दी गई। महामृत्युंजय मंत्र से पूरे विश्व के लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए आहुतियां दी गई। कार्यक्रम यज्ञ 10 तारीख तक चलेगा। परम पूज्य गुरुदेव श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित साहित्य भ्रम भोग की किताबें आधी कीमत पर उपलब्ध हैं। भक्तगण ने प्रसाद भी ग्रहण किया। दोपहर 3 बजे कार्यकर्ता गोष्ठी का आयोजन हुआ। शाम को 7 बजे संगीत एवं प्रवचन का भी आयोजन किया गया। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन यज्ञ के पश्चात नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, जनेऊ, गुरु मंत्र दीक्षा आदि संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे। भिलवाड़ा में तेली मंसूरी समाज के युवा कमेटी द्वारा तीसरा 22 जोड़ों का सामूहिक शादी सम्मेलन अंजुमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुवाड़ा खान में आयोजित हुआ। अली चांदेड़ ने बताया कि इस सम्मेलन में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, पिंडवाड़ा, आबू रोड, अजमेर, बीकानेर, खंडवा, इंदौर, रैनवाल, दातारामगढ़, मिंडा, मकराना, कुचामन, जयपुर, दिल्ली, फुलेरा और भी कई शहरों से मेहमानों ने इस सम्मेलन में आकर सम्मेलन के 4 चांद लगाए। यह सम्मेलन समाज के बुजुर्गों के आशीर्वाद से और बुजुर्गों की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। युवा कमेटी ने सभी बाहर से आए हुए अतिथियों का दिल की गहराइयों से आभार जताया। अली चांदेड़ ने बताया कि भिलवाड़ा के समाज के बुजुर्गों के आशीर्वाद से और उनकी अध्यक्षता में आगे भी इसी तरह के सामूहिक विवाह सम्मेलन भिलवाड़ा युवा कमेटी करवाती रहेगी। तसवारिया बांसा में चल रहे पंच दिवसीय चारभुजनाथ मूर्ति एवं कलश स्थापना मंदिर में श्री विष्णु महायज्ञ का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंच कुंडात्मक यज्ञ में जोड़ों ने हवन में 21,000 आहुतियां देकर विश्व के कल्याण को लेकर प्रार्थना की। यज्ञशाला में सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए पूजा अर्चना की गई। उसके बाद यज्ञाचार्य शिवजीराम दाधीच द्वारा 10 देव पाल देवताओं का पूजन करवाया गया। कुंडा आचार्य ने यज्ञशाला में मंडप की पूजा करवाई। इस दौरान तोरण द्वार सहित 10 दिशाओं एवं नवग्रह देवता का पूजन भी किया गया। 11 पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कुंड पूजा के बाद अग्नि प्रवेश करवाया गया। फिर सभी देवी देवताओं को आह्वान करते हुए हवन में आहुतियां दी गई। इससे पहले यज्ञ में बैठे सभी जोड़ों को गोमूत्र पंचगव्य से शुद्ध करते हुए यज्ञ स्थल में प्रवेश करवाया गया। यज्ञ में बैठे सभी जोड़ों ने यज्ञ स्थल की परिक्रमा करते हुए चार भुजा और गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की और अमन चैन भाईचारे के साथ खुशहाली की प्रार्थना की। शुरुआत में प्रधान कुंड पर बैठने बोली लगाई गई, जिसमें सर्वाधिक बोली 1,71,000 रुपये रामस्वरूप खिकडेल की रही।
बिलवाड़ा युवा जनहित सेवा समिति के संरक्षक हमीद मोहम्मद शेख इमरान कायमखानी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यालय पर दस्तारबंदी कर माला पहनाकर केक खिलाकर मुबारकबाद दी गई। साथ ही रक्तदान, पौधारोपण, परिंडा जैसे कई अभियानों से सेवा कार्यों को करने का समिति के अध्यक्ष कय्यूम मोहम्मद सक्का, समिति के उपाध्यक्ष अब्दुल नसीर कुरेशी ने संकल्प दिलाया। इस अवसर पर बरकत हुसैन सोरगर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष, इमरान काजी जिला महामंत्री, गुलशेर कायमखानी शाहपुरा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष, रमजान कायमखानी गणेश मंडल अध्यक्ष, दिनेश सेन, छोटू सिंह इंसाफ कायमखानी, शहजाद अली रंगरेज सहित कई लोग उपस्थित थे। भारत विकास परिषद शाखा आसंद द्वारा 10 जून से आयोजित होने वाले 10 दिवसीय समर कैंप की तैयारी के लिए बुधवार को कृष्णा पब्लिक स्कूल में प्रशिक्षकों की बैठक आयोजित की गई। सचिव मनोहर सिंह चुन्नावत ने बताया कि परिषद द्वारा आयोजित होने वाले 10 दिवसीय शिविर संबंधित कार्यों के बारे में प्रशिक्षकों से जानकारी ली गई और उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। कैंप में विशेषकर बच्चों और महिलाओं में काफी उत्सुकता है। लगभग 200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 9 जून है। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष ज्ञानचंद्र हरवानी, सचिव मनोहर सिंह, द्रौपदी खत्री, हर्षिता सिंघवी, भावना कांठिन, वर्षा हरवानी सहित परिषद की कई महिलाएं सदस्य उपस्थित थे। पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समन्वय समिति के उपाध्यक्ष कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री चंद्रभान सिंह से अजमेर से भिलवाड़ा जाते समय पंचायत समिति हुरडा प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हुरडा ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों से मिलकर कितना लंबा सेंटेंस लिख। पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समन्वय समिति के उपाध्यक्ष कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री चंद्रभान सिंह अजमेर से भिलवाड़ा जाते समय पंचायत समिति हुरडा प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हुरडा ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा की। सभी जनप्रतिनिधियों ने पूर्व मंत्री का मयूर गेस्ट हाउस में सूत की माला एवं मेवाड़ी पगड़ी पहना करके स्वागत अभिनंदन किया। प्रधान राठौड़ ने देश की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से प्राप्त फाउंडेशन ट्रस्ट से पंचायत समिति हुरडा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में समान रूप से राशि हस्तांतरित करने और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का क्षेत्र के लिए स्थायी फंड के प्रावधान की भी मांग की। सरपंच संघ के जिला उपाध्यक्ष हेमराज चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान राठौड़ के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में अवगत करवाते हुए ब्लॉक अध्यक्ष पद पर युवा एवं आमजन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जितेंद्र नागर को इस जिम्मेदारी देने का सुझाव दिया, जिस पर मंत्री ने कहा कि आज पार्टी को निष्ठावान और जो संगठन को मजबूत कर सके उसे ही मौका मिलेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। इस अवसर पर तहसीलदार शिल्पा चौधरी, नायब तहसीलदार श्यामला लामेटा, आगुचा सरपंच प्रतिनिधि एवं समाज सेवी जितेंद्र नागर, पार्षद प्रतिनिधि पुखराज चौधरी, पार्षद गुड्डू भाई कुरेशी, युवा कांग्रेस के पूर्व जिला सचिव रामपाल खटी, गजराज चौधरी, मुकेश कुमार सैन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।